नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में नॉर्मल देखने को मिल रही है, ना ज़्यादा लॉन्ग है ना ज़्यादा शॉर्ट है, जो कि एक एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। हर काम को बहुत ज़्यादा सोच विचार के करना, इस प्रकार का नेचर यहाँ पर निकल के आता है। साथ ही साथ अपने आप को प्रीप्लांड रखना आप जैसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। कोई भी काम सोच विचार के करने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन आपका बहुत ही परफेक्ट रहने वाला है। एक प्रकार से सप्लीमेंट हमेशा अपने साथ लेकर के चलेंगे कि एक काम नहीं होता है तो दूसरा एटलीस्ट हो ही जाए। और यहाँ पर लिटिल फिंगर की लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पावर से थोड़ा सा ही नीचे है, लेकिन तब भी इससे कम्युनिकेशन स्किल ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता है और मार्केटिंग स्किल इसके कारण आपका अच्छा रहेगा। फैमिली के ऊपर आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि फिंगर की लेंथ एकदम स्ट्रेट है तो फैमिली के ऊपर रुझान ध्यान ज़्यादा देखने को मिलता है और फैमिली को लेकर के सेक्रीफाइसेस भी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ फिंगर के बीच में गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट नेचर को और अधिक खर्चीलेपन को भी व्यक्त करता है। तो इस कारण खर्चों पर नियंत्रण कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए रहने वाला रहेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है तो ये एक प्रकार के गुड क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक क्वालिटी को इंडिकेट करता है। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग नेचर रहेगा आपका, रिस्क लेने से कभी भी आप पीछे नहीं हटेंगे और सोसाइटी में आपका स्टेटस भी अच्छा रहने वाला है। जब थर्ड फिंगर की लेंथ लॉन्ग होती है तो जेब में भले 5 रुपये हो, लेकिन रिस्क लेने की बारी आई तो 550,000 यहाँ तक आप लेंगे। तो हमेशा लाइफ में नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना, अपने आप को चैलेंज करते रहना, आगे बढ़ते रहना, इस प्रकार का नेचर यहाँ पर आपका शो हो रहा है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ कुल मिलाकर के नॉर्मल है और थोड़ा सा इसको झुकाव सैटर्न की तरफ धार्मिक होने के योगों को भी व्यक्त करता है। इसके अलावा देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा भी है, जो फ्रेंडली नेचर यानी मिलनसार स्वभाव को बता रहा है। तो हर परिस्थिति माहौल में ढल जाने में आप सक्षम रहेंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ आपके संबंध भी मधुर रहने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ की जो आड़ी रेखा है एक प्रकार से थोड़ा सा रिलेशन में अनबन मतभेद और दूरी को भी व्यक्त करता है, जो कि पता करते हैं आगे कि इसके पीछे रीज़न क्या है। अदरवाइज़ थंब के साइज़ के विषय में आए तो थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जो बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स को और उन प्लानिंग के अंदर बार बार होने वाले चेंजेस को भी इंडिकेट करता है। यहाँ पर फिंगर आपके पीछे की ओर बेंड हो रही है तो ये फ्लेक्सिबल नेचर को भी इंडिकेट करता है। तो इस कारण से डिसीजंस जो आप ज़्यादा लेंगे उसके अंदर चेंजेस लाएंगे तो यही प्लानिंग में भी आपके देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। जैसे यहाँ पर जैसे थंब का साइज़ है तो ये कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का और एडजस्टिंग नेचर को भी यहाँ पर इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर यव का चिन्ह डेवलप है तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट करता है कि आपके अंदर ग्रेसिपिंग स्किल अच्छी रहेगी, कोई भी चीज़ सीखने व समझने की क्षमता अच्छी रहने वाली है और भविष्य से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनुभव या अनुमान या आभास हो जाने की गतिविधि भी रहेगी, क्योंकि यहाँ का यव का चिन्ह ये गुड सिक्स्थ सेंस को और गुड इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है। इसके अलावा यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये वाद विवाद होने के योगों को भी व्यक्त करता है। बेसिकली सेकंड पर्व का लेंथ अच्छा है तो ये लॉजिकल नेचर को यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर आते हैं पाम के साइज़ के विषय में। तो पाम का साइज़ यहाँ पर आपका लंबाई में ज़्यादा है तो बैठे बैठे काम करने की आदत ज़्यादा देखने को मिलती है। फील्ड वर्क थोड़ा सा नॉर्मल आपको रहेगा, लेकिन बैठ करके अत्यधिक काम करना ये आपके नेचर में है। इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है तो कोई भी काम करने से पहले आपके अंदर प्रेरणा अच्छी रहेगी और प्लानिंग कुल मिलाकर के नॉर्मल करेंगे और डायरेक्ट एक्शन लेंगे, इस प्रकार का नेचर यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करते हैं। तो गुरु का क्षेत्र ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर अच्छा विकसित है तो इस कारण से सोसाइटी में अच्छा स्टेटस रहने के साथ साथ आप थोड़ा सोशल वर्क भी लाइफ में करने वाले रहेंगे, क्योंकि गुरु जब स्ट्रांग होता है तो ऐसे लोग सेवाभावी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ गुरु आपके मैरिड लाइफ को भी इंडिकेट करता है तो मैरिड लाइफ आपकी सक्सेसफुल रहेगी, उसमें कोई भी इशू नहीं है। और यहाँ पर गुरु से कनेक्टिविटी हो रही है आपके लाइफ लाइन की तो ये एक प्रकार के प्रोग्रेसिव नेचर को इंडिकेट करता है, यानी एम्बिशियस नेचर को। तो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे और यही रीज़न है कि जीवन में धीरे धीरे करके आपके प्रोग्रेस और ग्रोथ अच्छा देखने को मिल रहा है। शनि के क्षेत्र पर आते हैं तो शनि पर्वत कुल मिलाकर थोड़ा सा दब गया, जो कार्य में थोड़ी सी देरी को व्यक्त करता है। लेकिन भाग्य रेखा की जहाँ तक चर्चा करें तो भाग्य रेखा आपके शुक्र के क्षेत्र से यहाँ पर प्रारंभ है तो परिवार का अच्छा सहयोग और अटैचमेंट देखने को मिल रहा है, यानी बचपन से ही हर प्रकार की सुख सुविधा देखने को मिल रही है। और ये शनि रेखा सीधे आपके
शनि के क्षेत्र तक पहुंच रही है, और यहाँ पर गुरु से भी एक कनेक्टिविटी हो करके गुरु के ओर आपकी भाग्य रेखा मुड़ गई है, और यहाँ पर कुछ शाखाएं सीधे भी खड़ी है जो डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को इंडिकेट करता है। ओवरऑल फेट की बात करें तो फेट लाइन यहाँ पर आपका अच्छा देखने को मिल रहा है, तो कम्फर्टेबल लाइफ रहने वाला है, उसमें ज़्यादा इशू नहीं है, और डबल ट्रिबल सोर्स ऑफ अर्निंग आपकी रहेगी। गुरु से जैसे कनेक्टिविटी हो गया है यहाँ पर आपके भाग्य रेखा का, तो ये यहाँ पर यही इंडिकेट करता है कि जिस भी कार्य क्षेत्र में रहेंगे आप, उसमें उच्च पद प्राप्ति होने के योग, मान सम्मान मिलने के योग आपके अच्छे रहेंगे। बीच की रेखा अच्छे एडवाइज़र को इंडिकेट करती है, अच्छे गाइडर को बताती है, तो नॉलेज आपके पास अच्छा रहेगा, जिसके कारण आप किसी को गाइड अच्छा कर सकते हैं, सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मान के प्रोग्रेस अच्छा लाइफ में कर सकता है। सूर्य का क्षेत्र थोड़ा सा दब गया, तो ये नेत्र से रिलेटेड थोड़ी तकलीफ को भी व्यक्त करता है। हालांकि देखा जाए तो सूर्य की रेखा यहाँ पर मौजूद है जो अच्छे नेम फेम को इंडिकेट करता है, लेकिन ये स्ट्रगलिंग लाइफ को भी बताता है कि स्ट्रगल के बाद आपको लाइफ में सक्सेस प्रॉपरली मिल पाएगा, और सक्सेस आपको 37 एज के बाद से नेम फेम के चांसेस भी बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो एक प्रकार से स्क्वायर टाइप का फॉर्मेशन आपका क्रिएट हो रहा है, जो यही इंडिकेट करता है कि खुद की प्रॉपर्टी आपके बनने के योग भी 37 के एज के बाद से बहुत ज़्यादा ब्राइट है। यहाँ देखा जाए तो अंदर की ओर जो ये रेखा जा रही है, इसे यश योग कहा जाता है, जिसके कारण सक्सेस मिलने के योग बहुत ब्राइट होते हैं, और मरकरी माउंट थोड़ा दबा हुआ है, तो मन के अंदर थोड़ी बातों को आप दबाए रखेंगे। वहीं यहाँ पर जो सीधी खड़ी रेखा है, ये आपके फ्रेंडली नेचर और मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है, जिसके कारण आप हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। बहुत ही मीठी बोली भी रहेगी और सिंपैथेटिक नेचर भी आपका रहेगा, हीलिंग क्वालिटीज़ भी आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है, जिसके कारण किसी डीमोटिवेटेड पर्सन को मोटिवेट कर देना, अपने बातों से प्रभावित कर देना, तो ये वर्क मैनिपुलेशन को भी अच्छा इंडिकेट करता है, मैनेजमेंट को भी अच्छा बनाता है, और यही रीज़न है कि व्यापार या इंडिपेंडेंस या फिर डॉक्टरी के माध्यम से भी प्रोग्रेस लाइफ में मिलने के योग ब्राइट होते हैं। क्योंकि जब यहाँ पर एक से अत्यधिक रेखा हो तो इसे मेडिकल सिग्माटक कहा जाता है, जिसके कारण मेडिकल लाइन में, यानी मेडिकल लाइन से या बिजनेस के लाइन से, यानी हील या फिर हीलिंग क्वालिटीज से व्यक्ति लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा कर पाता है, ग्रोथ अच्छी होती है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी बन रही है, तो फ्लर्टी रोमांटिक प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पर आपका रहने वाला है, और नीचे की ओर आने वाली रेखा यह माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी व्यक्त करता है, तो भरपूर सेवा आप कर पाएंगे, उसमें कोई भी तकलीफ ऐसी नहीं है। और यहाँ से ये रेखा सीधे निकल के गुरु तक गई है, तो प्रैक्टिकल माइंडसेट यहाँ पर आपका ज़्यादा रहने वाला है, और अपने कार्य के प्रति आपकी ज़्यादा एकाग्रता देखने को मिल रही है, तो वर्क को लेकर के फोकस आपके लाइफ में अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पर आपके जो इस प्रकार की आकृति बनी है, इसे गर्डल ऑफ विनस कहते हैं, जो कि एक प्रकार से मूड स्विंग को भी इंडिकेट करता है, मूड अचानक से आपका चेंज होगा, और कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, तो कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, कभी बहुत ज़्यादा लॉजिकल, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मूड स्विंग का इशू बनता है। और यहाँ पर एक रेखा सीधे मंगल से भी कनेक्टेड हो रही है, तो गुस्सा आपका बहुत ज़्यादा खराब रहने वाला है, और मांगलिक होने के योग भी और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम होने के योगों को भी ये व्यक्त करता है। माइंड लाइन पर आप के आते हैं, तो हार्ट लाइन यहाँ पर नॉर्मल है, माइंड लाइन आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि माइंड लाइन एकदम स्ट्रेट है और उसमें कोई भी ऐसा डीप कट या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ज़्यादा शार्प माइंड है आपका, तो इस कारण पुराने से पुराने बातें भी आपको बहुत अच्छे से याद रहने वाली रहेगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटी है, यानी सीधे सच्चे रूप से बातचीत करना पसंद रहेगा, लॉजिकल नेचर रहेगा, और कोई भी स्टडी आप कर सकते हैं, यानी डीप, हार्ड, लॉन्ग, क्योंकि माइंड लाइन जब लॉन्ग होता है तो ये स्टडीज़ के लिए बहुत और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बेस्ट माना जाता है, तो इस कारण आप जैसे लोगों का धीरे धीरे करके लाइफ में प्रोग्रेस अच्छा देखने को मिलता है। और थोड़ा सा जैसे माइंड लाइन डिक्लाइन हो रही है, तो ये थोड़े से इमेजिनेशन को भी इंडिकेट करती है कि आगे चल करके आप कहीं ना कहीं प्लानिंग्स ज़्यादा करेंगे, इमेजिनेटिव आपका नेचर होगा, डे ड्रीमर टाइप का नेचर होगा, जो कि यही इंडिकेट करता है कि हर बात के जड़ तक जाना फिर आपको पसंद रहेगा। लाइफ लाइन पर आते हैं आपके, तो लाइफ लाइन का फ्लो एक बाहर की ओर निकला है और एक अंदर की ओर यहाँ पर इस प्रकार से आ रहा है, जिसके कारण फैमिली की तरफ झुकाव रुझान आपका ज़्यादा रहने वाला है। और बाहर की ओर जाने वाली ये रेखा आपको फॉरेन ट्रैवलिंग को ही इंडिकेट करती है कि विदेश से आपको अच्छा लाभ मिलने का योग है, और विदेश जाने के योग भी आपके ब्राइट हैं। उम्र की जहाँ तक बात करें तो 80 प्लस यहाँ पर एज यहाँ पर आपका इंडिकेट हो रहा है। स्टार्टिंग लाइफ में इतना लाइफ में किसी का आपको सपोर्ट नहीं था सिवाय फैमिली के, लेकिन सपोर्टिव लाइन जो है अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 38 के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो 38 के बाद से आपके लाइफ में कहीं ना कहीं पार्टनर और ज़्यादा जुड़ेंगे, या फिर किसी न किसी व्यक्ति विशेष का आपको सहयोग अच्छा मिलेगा, जिसके कारण आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी, और जो भी लाइफ में ट्रबल या हर्डल्स आते हैं उसको भी
कंप्लीट करने के लिए या फिर उसको भी लड़ने के लिए वो लोग अच्छी सहायता आपको करने वाले रहेंगे, क्योंकि ये देवदूत की रेखा होती है जो कि अच्छे बैकबोन का काम करती है लाइफ में। तो जो भी प्रॉब्लम आती है उससे व्यक्ति अच्छे से डील कर पाता है। बाकी अंदरूनी मंगल ठीक विकसित है, बाहरी मंगल भी अच्छा विकसित है, तो शारीरिक गठन ठीक रहेगा, मानसिक बल भी अच्छा रहने वाला है, पराक्रम, हौसला, जुनून, ये सारी चीज़ें भी अच्छी रहेगी। जब बाहरी मंगल और शुक्र पॉजिटिव होता है तो जीवन जीने की इच्छा ज़्यादा देखने को मिलती है और लाइफ में हर चीज़ आपको मिलने वाली भी रहेगी। शुक्र की जहाँ तक बात करें तो शुक्र माउंट यहाँ पर फ्लैट है, न ज़्यादा उभरा हुआ है न ज़्यादा दबा हुआ है, तब भी ये अच्छे लग्जरियस लाइफ को, अच्छे दिखावटी चीज़ों को, अच्छे रहन सहन, खान पान, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार सबको बताता है। लेकिन यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये अननेसेसरीज वरीज यानी अनावश्यक चिंता है जो आपको फैमिली लाइफ से रिलेटेड ही रहने वाली रहेगी। इसके लिए शुक्र के रेमेडीज़ आपको करने होंगे। और जहाँ तक देखा जाए तो यहाँ सीधी खड़ी रेखा भी अच्छी खासी मात्रा में है, तो ये अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। अदरवाइज़ यहाँ पर आए तो शुक्र से ही आपकी यहाँ पर मरकरी लाइन निकली हुई है, तो फैमिली से अच्छा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं, या ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ अच्छा मिल सकता है, कुछ ना कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी मिलने के योग भी हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो यहाँ पर चंद्र की ये जो आड़ी रेखा है ये विदेश यात्रा को ही व्यक्त करती है, लेकिन थोड़ा सा ये टेंशन को भी इंडिकेट यहाँ पर करती है, क्योंकि चंद्र पर आड़ी रेखा होना अत्यधिक थोड़े बेचैनी को भी व्यक्त करता है। अनावश्यक चिंताएँ इस कारण से बनती है। और जहाँ तक देखा जाए तो मरकरी लाइन फिलहाल के टाइम में इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर अगर ये प्रोमिनेंट होती है तो उसके बाद आपकी लाइफ में पैसा भी अच्छा आएगा, रुकेगा भी और उसका सदुपयोग भी होने लगेगा। तो जहाँ तक आपकी क्वेरी थी कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, तो मैरिड लाइफ अच्छी है, थोड़ा सा शुक्र यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो किसी के हेल्थ रिलेटेड आप टेंस्ड फैमिली मेम्बर में से ही रह सकते हैं। अदरवाइज़ मैरिड लाइफ में कोई ऐसा इशू नहीं है, और माता पिता के अच्छे सेवक भी रहेंगे वो भी यहाँ पर दिख रहा है। आने वाले फ्यूचर में आपकी ग्रोथ अच्छे होगी, पार्टनर मिलने के योग भी आपके ब्राइट है, और बिजनेस लक भी यहाँ पर जनरेट हो रहा है, तो ग्रोथ आपको व्यापार के क्षेत्र में अच्छा मिल पाएगा। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।